इस वक्त हम मौजूद हैं हज़रत नाना ग़ुलाम अली शसुफ बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मीर हसन सोलंगी। मैं आपको आज ले जाऊंगा ठट्ठा के मशहूर दरगाह नाना ग़ुलाम अली शाह सुर्ख बुखारी के दरगाह पे ले जाऊंगा, जो कराची से 136 किलोमीटर दूरी पे है। कराची से निकलने के बाद घारो शहर आएगा, घारों के बाद ड्राइवर साइड पे टर्न करके आपको आगे जाएंगे तो आगे साकरो शहर आएगा। साकरो और भी बीच में छोटे मोटे स्टॉप आते रहते हैं, मगर मेन जो शहर है वो साकरो है। साकरो के बाद आएगा गाड़ो शहर। गाड़ो शहर के बाद तकरीबन 18 किलोमीटर अंदर आबादी है, गांव है, गांव में है दरगाह नाना ग़ुलाम अली शाह सुर्ख बुखारी का, जो कराची से तकरीबन 136 किलोमीटर दूर है। ये डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा, तहसील घोड़ाबारी, यूसी दानदारी शहर के करीबी कच्चे के इलाके में जो दरगाह है नाना ग़ुलाम अली शाह सुर्ख बुखारी, और गिरनार के नाम पे मशहूर है। यहाँ पर मेला भी लगता है सुर्ख बुखारी का, उर्स मुबारक भी हर साल मनाया जाता है धूमधाम से। 3 से 4 दिन दरगाह पे बड़ी सजावट होती है, दुकानदारी लगाई जाती है जिसमें मलाखड़ा भी होता है, और भी गेम्स होते हैं। तकरीबन दुकानदार हैं, 3 से 4 दिन मेला चलता है, उसमें काफ़ी सारी ख़रीदारी होती है। दूर दूर से ज़ायरीन आते हैं, यहाँ अपनी मन्नतें मांगते हैं। Thank you.
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। ये निगाहे मस्त की मस्तियाँ किसी बदनसीब पे डाल दे। वफा से निकला है मोहब्बत का नाम, आप सबको नाचीज़ पहलवान अयाज शाह की तरफ से प्यार भरा सलाम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। इस वक्त हम मौजूद हैं हज़रत नाना ग़ुलाम अली शाह सुफ बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर, और साईं जी की दरगाह पर हम तकरीबन मुझे लगता है कि मैं शायद 9-10 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ पर साईं की हाज़िरी दे रहा हूँ। और साईं का बहुत भरपूर तरीके से एक मेला भी होता है हर साल, और हर साल भरपूर तरीके से उर्स मुबारक होता है साईं जी का, और हम उस उर्स मुबारक में शरीक भी होते हैं और उनकी तकरीबात में भी शरीक होते हैं और उसके मलाकड़े में भी शरीक होते हैं। और मैं इस वक्त बेहद शुक्र गुज़ार हूँ कि मीर हसन सोलंगी जो है वो फ़र्स्ट टाइम, मेरे ख्याल से सेकेंड टाइम यहाँ पर आएँ, और आज उन्होंने मुझे कहा कि हम दरगाह की जो है वो सबको ज़्यारत करवाएंगे। जो भी हमारे दोस्त हैं यूट्यूब पे हमारे सब्सक्राइबर हैं या हमें लाइक करते हैं, उन सबको हम दरगाह की ज़रूर ज़्यारत करवाएंगे। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मीर हसन सोलंगी जो कि मलाकड़ा टीवी के ऑनर हैं, मलाकड़ा टीवी चलाते हैं, और इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं सिंध के बहुत अच्छे पहलवान साईं सैयद जुल्फकार शाह बादशाह, और मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त ईसा लाखों मौजूद हैं जो कि यहीं पर लाखा बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये दरगाह तकरीबन मेरे इलम में जो है तकरीबन 65 से 70 साल हो गए हैं इस अल्लाह के वली को यहाँ पर सुपुर्द ख़्वाब होते हुए। और साईं जिन जो है वो बेसिकली मेरे ख़्याल से मेमन गोट की तरफ से आए थे यहाँ पर, और साईं के जो गादी नशीन हैं, इस दरगाह के जो गादी नशीन हैं वो उनका नाम है सैयद ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह, वो भी मेमन गोट में रिहाइश पज़ीर हैं और वहाँ से हर हफ्ते यहाँ पर हाज़िरी भी देते हैं और यहाँ पे लंगर भी करते हैं, शरीक भी होते हैं, और हमें भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर यहाँ के हाज़िरी में शरीक होने का शर्फ हासिल होता है। और ऐसा समझें कि मैंने बहुत सारी मुरादें पाई हैं यहाँ से, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है तब तक इंशाल्लाह इस अल्लाह के वली की ड्यूटी देते रहेंगे और ये फ़र्ज़ अदा करते रहेंगे। और दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हमेशा अल्लाह के वलियों की ज़ियारत नसीब फरमाए और उनके नक्शो कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी व्यूवर्स हैं उन सब के लिए भी यहाँ पर इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे, और उन सब से गुजारिश ये है कि हमारे लिए भी खुसूसन दुआ करें। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियों से नवाजें, बहुत सारी इज्जतों से नवाजें, खुश रहें, और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम आपको मलाकड़े भी दिखाते रहेंगे, पहलवानी भी दिखाते रहेंगे, कुश्ती भी दिखाते रहेंगे, और उसके साथ साथ हम इंशाल्लाह इतनी ऐसी बाबरकत जगहें भी आपको दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। नवाजी सबको बताया हूँ मैं गदीर का है।
नाज़रीन, आज हमने आपको ज़ियारत कराई नाना ग़ुलाम अली शाह गिरनार सुर्ख पुकारी का, जो टट्टे ज़िले में था। अभी ऐसे हम और भी मज़ारों पे आपकी ज़ियारत कराते रहेंगे और आपको ले जाएंगे वहाँ पर घुमाएंगे फिराएंगे। और मीर हसन सोलंगी को आप इजाज़त देना। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।